आप सभी का स्वागत है नोटेक चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए नोटेक चैनल को सेट बटन को दबाकर और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नोटेक चैनल पर। और फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ C9 Pro का एंड्रॉइड नोगट का रिव्यू। सो फ्रेंड्स विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एंड्रॉइड टेक चैनल पर। और जैसा कि अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, सैमसंग ने C9 Pro के लिए एंड्रॉइड नोगट का अपडेट रिलीज कर दिया है। साथ में दिया है सैमसंग का एक्सपीरियंस 8.5 और एंड्रॉइड का वर्जन है 7.1.1। और सभी पूछ रहे हैं कि C7 Pro में कब आएगा, तो C7 Pro में भी बहुत जल्दी आ जाएगा। और जैसे आगे आपको अपने चैनल पर प्रॉपर तरीके की वीडियो बनाकर दे देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस अपडेट का जो साइज़ है 1.4 GB के आसपास है। और ये आप देख सकते हैं इसकी होम स्क्रीन है। सैमसंग का एक्सपीरियंस 8.5 में थोड़ा बहुत माइनस डिफरेंट है, तो आपको जो है होम ग्रिड जो है ज़्यादा मिल जाएंगी और कुछ एक्स्ट्रा एडवांस फीचर्स मिल जाएंगे 8.5 के एक्सपीरियंस वर्जन में। हालांकि अच्छी बात है कि सैमसंग ने सैमसंग का एक्सपीरियंस 8.5 दिया और एंड्रॉयड वर्जन 7.1.1। सो ये गुड न्यूज़ है सैमसंग के C9 Pro के यूज़र्स के लिए। और मुझे जो पर्सनली जो ज़्यादा पसंद आया C9 Pro के अंदर वो ये है कि ऐप ड्रॉवर में आपको ब्लर इफेक्ट का जो इफेक्ट है वो भी मिल रहा है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सभी फ्लैगशिप डिवाइस में मिलता है क्योंकि इनके जो GPU होते हैं काफ़ी हैवी GPUs होते हैं जो कि इसको अफोर्ड कर सकते हैं, इसको सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज J सीरीज़ में मतलब किसी में भी सैमसंग ने ब्लर इफेक्ट नहीं दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सैमसंग का एक्सपीरियंस 8.5 और एंड्रॉइड वर्जन 7.1.1। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में यही था, सब कुछ यही बताना था आपको कि इसका यूज़र इंटरफेस और एंड्रॉइड वर्जन आपको दिखाना था। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मैं भूलिएगा। फ्रेंड्स मिलता हूँ मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए साइनिंग आउट। It's caught in the crossfire.